हमारे चैनल आप सबका स्वागत है देखिए रामायण का जो पाठ संस्कृत में सुनाया तो उसका नाम है बालकांड तो रामायण में हमारे सात कांड होते हैं पहले कांड का नाम है बालकांड तो बालकांड में जो हमने शुरू में अध्याय में संस्कृत होती है उसका अर्थ बताया था आज हम पहले दोहे का दोहे पढ़ेंगे और उसका अर्थ बताएंगे तो दोस्तों आपको हमारा पढ़ने का तरीका अच्छा लगा लगा तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पहली बार आए तो बटन दबाकर क्लिक भी जरूर करना जो सुमरति सब सिद्ध हो गन नायक कव रविवर वदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्ध रास सुम गुण सदन कि जिन्हें स्मरण करने से कार्य सिद्ध होते हैं जो गुणों के स्वामी सुंदर हाथों से मुख वाले हैं बेही बुद्धि के राशि हैं और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी हैं मुर पर कृपा करो तो बालकांड में सब भक्त जो है गणेश के उनसे वंदना करते प्रार्थना करते हैं हे गणेश मुझ पर कृपा करो मुख हुई चाल पग चढ़ई गिर भर गहन जास के सो दयाल दिल सकल कल मलन दहेन जिनकी कृपा से गुंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लड़खड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है वे कलियुग के सब पापों को जला जान डालने से दयालु भगवान मुझ पर दिव्य दया करो तो ये दूसरे दोहे का अर्थ पढ़कर सुनाया है नील सरोर श्याम तर अरुण बारिज नैन करो सुमम पर धाम सदा छोड़ सागर सैन अब तीसरी द्वे का अर्थ पढ़कर सुनाते हैं जो नील कमल के समान स्वर्ण वर्ण है कौन नील कमल समान हमारे श्री रामचंद्र भगवान हैं और पूर्ण खिले हुए हैं लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं इनमें पूरे जो दोहे में राम जी का वर्णन किया गया है दोस्तों और उनको अर्थ बताते हैं ये जो सदा से सागर से सहन करते हैं वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करते हैं अब इनका जो दोहे में है दूसरा रूप बताया श्री नारायण कौन है नारायण विष्णु भगवान है तो उनका रूप बताते हैं कहते हैं छीर 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 सागर मतलब जब जो मंथन हुआ था शीर सागर में तो वो भगवान उस पर निवास करते हैं और हृदय में निवास कर, निवास करें इन कंद इंद उमा रमन करुणा अयन जाई दीन पर मयन जिनका कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान गौर है शरीर है जो पार्वती की प्रीतम और दया के धाम है और जिनका दोनों पर है वे कामदेव देव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करे बंदो कन, गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा समुद्र और नरसिंह रूप श्री हर की है जिनके बचन महामोरूपी हैं घने अंधकार के नाश करने वाले और सूर्य के किरणों के समीप है ए गुर पद परंपरागा परागा सुरच सुबास सरस अनुरागा अम मूर में चूरन चारु समन सकल भैरव पर बारु मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो सूरज यानी सुंदर स्वाद और सुगंध जो सुगंध वाले अनुरागी रूपी रस से परिपूर्ण है वो अमर मूल संजीवी हैं जड़ का चूरण हैं और संपूर्ण रोगों से पर पार के नाश करने वाली हैं। है नाश को करने वाला है इसीलिए उस दोहे में ये सब बताया गया है सुख सुकृत सुकृत विभूति मंजुल मंगल मुहु प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरिणी किया तिलक गुण बस करनी वह राज सुकृति पूर्ण पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मय विभूति है और सुंदर कल्याण आनंद की जननी है कौन जननी हमारी पार्वती माता है भक्त के मनोरूप सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक से गुणों से संपूर्ण वंश में करने वाली है वश में करने वाली गुरपद पद श्री गुरपद नख मुनगन ज्योति सुमद्रिप दृष्टि होती दलन मोह तम तो सब बड़े भाग और श्री गुरु महाराज के चरण नखों से ज्योति मणियों से प्रकाश के समान है जिसके स्मरण करते ही मनुष्य हृदय में दृष्टि उत्पन्न हो जाती है यह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है और जिसके हृदय में आप आ जाते उसे के बड़े भाग हैं और उ बरे बिमल बिलोचनी के मिठाई दो से दुख बबु रजनी के समझौ रामचरित मुनि नाचिक मनानिक गुरपुत्र प्रकट जहु सो जहु खाने के जिसके हृदय में आते हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दुख दुख मिट जाते हैं ऐसे श्री रामचरित के रूपी मड़ी माड़े के दुख प्रकट जहाँ जो जिस ग्राम में ए, मिट सब दिखाई पड़ने लगते हैं जतासु एन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौत देख सैल बन भूतल भूप निदान जैसे सिद्ध सिद्धांत जन को नेत्रों में लगा कर यानी सिद्धांत नेत्रों में नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों को बन पृथ्वी के सुंदर कौतिक से ही बहुत ही खाने होते हैं तो इस दोस्तों ये इसका अर्थ हमने बताया है अगर आपको आज हमने बाल कांडे रामचरित मानस में हमने जो उसके अंतर का अर्थ के दोहे आते हैं तो हमने पहला एक उसमें दोहे आते अर्थ दस आते हैं तो उसको एक माना जाता है तो इसलिए हमने एक पूरा दोहों का अर्थ बताया है दोस्तों अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं भी आपको पसंद आया हो तो दोस्तों तो भी कमेंट करके जरूर लिखें ताकि हम आपको अच्छे से पढ़कर सुना बोलो श्री रामचंद्र भगवान की